हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सितंबर के मंथ से न्यूज़ में बना हुआ है। वो न्यूज़ आने पर बहुत से लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया था और काफ़ी पैसा लगाया था। ये ऊपर भी गया था बट उसके बाद जो इसने डाउन टर्न शुरू किया है तो ये मोर देन 50% गिर चुका है। सारे लोग इसमें पैनिक में हैं कि इसको होल्ड करना है या बाय करना है एवरेज करने के लिए या सेल कर दें, या ये ऊपर जाएगा तो कब जाएगा, कितना समय लगेगा उसमें, और क्या न्यूज़, क्या व्हाट इज़ देयर इन द फ्यूचर फॉर दिस शेयर। सारे लोग यही सारे क्वेश्चंस दिमाग में लेकर बैठे हैं, इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो न्यूज़ आई है वो भी और इसके चार्ट्स भी। एंड इन द एंड वी विल स्टडी द स्ट्रेटजी व्हाट वी कैन फॉलो सो दैट टू डील with this share at present. So bane rahiye end tak in this video, and if you like the video don't forget to like, comment, share and subscribe. So let's begin. News aayi thi 5th of November ko the Economic Times par ke after stalling Biyani Ambani deal, transfer of future retail stake also stayed by SIAC, jisme ke in short SIAC jo Singapore ka arbitration center hai उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपने शेयर्स ट्रांसफ़र और प्लेज नहीं कर सकता विदाउट अमेज़ॉन्स परमिशन। तो ये और एक बुरी खबर थी जो कि फ्यूचर ग्रुप के लिए आई है। ऑल्दो इन इंडिया जो है, इंडिया की तरफ से हमको यही न्यूज़ मिल रही है कि फ्यूचर ग्रुप हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स अगेंस्ट द केस पुट अप बाय अमेज़ॉन। तो ये थी इन शॉर्ट द न्यूज़ एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द एनालिसिस। इसमें एक वो लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है जब ये शेयर वॉज अबव 300 लेवल। एट दिस पॉइंट कुछ लोग होंगे जो कि 395-400 लेवल्स पर इन्वेस्ट किए हुए होंगे, होल्ड कर रहे होंगे इस शेयर को, और बहुत से लोगों ने इसमें यहाँ पर या अराउंड अगस्त के टाइम पर इन्वेस्ट किया है, जो कि यहाँ पर वॉल्यूम से भी हमको दिख रहा है कि यहाँ लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया इन मिड ऑफ अगस्त, एंड दैट वाज द पॉइंट जहाँ पर मेजर लोग जो है ट्रैप हुए हैं। एंड द मेजर पॉइंट ऑफ ट्रैप you see the peak is around 160 rupees, and this one around 145 से लेकर 160 के बीच में बहुत से लोग ट्रैप हुए हैं। कुछ लोग इस लेवल पर ट्रैप हुए हैं 100 के लेवल्स पर। तो हम सब की जो लेवल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली उससे डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें गोइंग अहेड। अब ये देखा जाएगा कि इसमें जो है लोवेस्ट बॉटम लाइफ टाइम लो जो है वो 60 रुपीज़ अराउंड या 59-60 रुपीज़ पर है, जो कि हमको यहाँ से भी दिख रहा है कि इन्होंने वी सी ऑल ईयर्स यप यहाँ पर लो लाइफ टाइम बनाया है 60.70 रुपीज़ पर 9th of April, विच इज़ एग्जैक्टली दिस पॉइंट। ये जो हमारी रेड लाइन आई हुई है ये 60 रुपीज़ पर ही हमने ड्रॉ की है, जो कि लोवेस्ट बॉटम हो सकता है इस शेयर का। अगर ये गिरेगा तो वहाँ तक दैट इज़ द लास्ट सपोर्ट अवेलेबल एज ऑफ नाउ। होपफुली ये जो है अभी इस ऑरेंज लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये इस लेवल को काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज़ अराउंड 68 रुपीज़। होपफुली ये यहाँ पर टच करके ऊपर चला जाना चाहिए इस लेवल को। इफ फॉर्म्स सपोर्ट ओवर देयर नहीं तो ये पर 60 के लेवल तक के जा सकता है। होपफुली उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना तो सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही कठिन टाइम होगा। लेट्स गो फॉर द अपसाइड। अपसाइड इसमें ये हो सकता है कि ये जो इन्होंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, देन इट हैज फॉर्म्ड इनटू द सपोर्ट लेवल्स एंड अगेन इट हैज सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस बट वहाँ से गिर गया। तो अब अगर ये ऊपर जाएगा तो मोस्टली इट वुड गो अराउंड 100, एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये 100 पर जो है रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर देगा। तो इसी चैनल में ये ट्रेड होता रहेगा। बट जिन लोगों ने 140-150 पर इन्वेस्ट किया है, टू कम टू दैट प्राइस इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट to say that it would come in near term, in near future to that price. Within 2 to 3 months ऐसा लग रहा नहीं है कि ये 150 के levels पर आ जाएगा। However, अभी ये देखा जाए near future like exactly near term में यहाँ पर volume भी नहीं है जिससे कुछ हमको benefit मिले, कि कुछ positivity दिखे। और यहाँ पर अगर DMI में देखा जाए तो ऑरेंज लाइन इज above the blue line which is a bad signal। ADX भी ज़्यादा है डाउन टर्न ट्रेंड में। ये सेम चीज अगर आपको देखनी है तो यहाँ दिख जाएगी, जहाँ पर के ऑरेंज लाइन ऊपर थी और ये जो है इस लेवल पर आकर कन्वर्ज हो गई। तो इस तरह से अगर ये शेयर आगे कन्वर्ज होना है और ये ब्लू लाइन जब ऊपर चले जाएगी दैट will be the positive signal to start to trade in this share, या कोई एक positive उम्मीद आएगी कि ये share अब जो है ऊपर जाना शुरू कर देगा. As of now, it doesn't seem like that. अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ और बुरी हालत है. Sorry for all the so much of mess over here, but I'll just try to make it meaningful. यहाँ पर ये super trend की line देखी जाए तो ये super trend अभी भी नीचे को जा रहा है, which is showing that still ये share और थोड़ा कुछ नीचे जा सकता है. As we said कि वो 60 के level तक भी जा सकता है, क्योंकि ये line super trend की line जो है वो इस तरह से sideways नहीं हुई है, जिस पर जब वो sideways हो जाएगी तो फिर it is possible कि वो कुछ positive trend में turn हो जाएगा super trend. As of now, next week ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, unless there is something special, it is going to go more towards downside for 1 or 2 days at least. यहाँ पर एक major risk जो मुझको दिख रहा है जिससे मैं इस share को analyze करता हूँ वो ये moving averages का crossover है, जो कि I do with 40 and 100, जिसमें कि ये रेड लाइन अब ऊपर चली गई है और ब्लू लाइन नीचे आ गई है, जो कि एक बहुत लाइक बैड सिग्नल है ये शेयर के लिए कि इट्स गोइंग टू गो मोर डाउन, जो कि हमको दिख भी रहा है ग्राफ में से. इन दो एवरेजेस से आपको अगर देखना है ये शेयर तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि ब्लू लाइन 40 डे मूविंग एवरेज ने 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया था, एंड दैट वाज द परफेक्ट सिग्नल टू स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर. और it has respected the 40-day moving average और उस पर support ले लेकर जो है the share has moved until very long. यहाँ पर आकर जो blue line है 40-day moving average ने crossover किया 100 को, जो कि एक sell signal जिसने दे दिया, और उसके बाद जो है ये share, that was the last peak इस share की. उसके बाद ये share जो है छोटे-छोटे crossover होते गए, and there was a major crossover. इस पॉइंट पर जो crossover हुआ उसके बाद वो शेयर ये blue line red से नीचे आ गई, और उसके बाद ये blue line जो है कभी भी ऊपर जा नहीं पाई. 40-day moving average was always below the 100-day moving average, and that was the major sign. जिन लोगों ने ये crossover को respect करते हुए अगर यहाँ भी बेच दिया होता, so they would be much more profitable. जब suppose आपने यहाँ पर खरीदा है, this is level is 200 लेवल, अगर जिसने यहाँ पर भी एंट्री ली, यहाँ पर भी नहीं बेचा, ये क्रॉसओवर होते होते अगर यहाँ इस पॉइंट पर 439 हुआ है कि ब्लू लाइन ने क्रॉस किया है नीचे, इस लेवल पर भी बेच देते तो 200 और ये 439 लाइक 239 रुपीज पर शेयर मोर देन 100% प्रॉफिट कमा के दे वुड हैव एग्जिटेड द मार्केट एनीहाउ. इस क्रॉसओवर पर जिन्होंने एग्जिट नहीं लिया, there was a chance कि काफी दिनों तक जो है 40-day moving average के below इसने resistance form कर लिया था. There was another sign कि ये जो है अब down trend में चला गया है. That was still a sign that you should have exited the share. Anyhow, तो इस crossover की importance मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो red और blue line का crossover है, that is a major sign over here कि यहाँ पर हमको बेच देना था ये share. But it has come down to so low levels के अभी कुछ भी अब और नीचे जाने का चांस बनता नहीं है. It's a share, it's stock market, we cannot say anything. ज़्यादा नीचे भी जा सकता है. Super trend वही बता रहा है, parabolic भी वही बता रहा है. Although awesome indicator जो है वो something bit positive show कर रहा है, but we cannot rely on one indicator. Okay, coming to the strategies जो possible है. Please consult your financial advisor before you do any transaction in share market. इसमें जो अभी first हम लेंगे जो लोग 300 या 400 के levels पर buy किए हुए हैं, उनका investment अभी काफी like 75% से ज़्यादा नीचे चला गया होगा, तो उनके लिए यही है कि it's a good time to average out. But अगर वो लोग price, अगर आप इतना invest कर रहे हैं कि आप price जो है 150 के levels तक ला सकते हैं, it would be good. But अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, so it's better to keep a hold position on this. Rather आपको जो है वो possible है कि 6 months to 1 year तक के भी wait करना पड़ सकता है इस share को move होने के लिए. जिनका loss जो है वो unrealized loss जो है वो 40 से 60% के बीच में है, for them मेरी strategy ये है कि just sell it off and invest in some other place and start to earn money. इसमें ऐसा है कि जैसे आपके पास 100 रुपया था आपका, वो अब हो चुका है 50 रुपया, आपने 50% उस पर लॉस इनकर कर लिया है एंड नाउ यू हैव द 50 रुपीज जो कि आपको इन्वेस्ट करना है, बट आपको ऐसा ट्रेड करना है कि विद इन 3 to 6 मंथ्स यू मेक अनदर 50 रुपीज, उसको 100 करके यू कम बैक टू योर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन 3 to 6 मंथ। रादर अगर आप इस पर वेट करते रहेंगे, सो जैसे कि हमने देखा ये चैनल के बाहर बहुत ही कुछ अच्छी न्यूज आने पर, एक दो अच्छी न्यूज आने पर नहीं, बट फ्यूचर स्टेबिलिटी जिस न्यूज से कंफर्म हो जाएगी उस पॉइंट से ये शेयर जो है ऊपर जाना शुरू होगा, जो कि अभी नियर फ्यूचर में विद इन 3 to 6 मंथ्स नहीं दिख रहा है। अगर वो 3 to 6 मंथ्स में आया भी तो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल कम टू दी 100 लेवल्स एंड रिमेन ओवर देयर। बहुत रेयर कंडीशन है कि ये 140 150 लेवल्स को क्रॉस करेगा, चांसेस नहीं है, बट स्टॉक मार्केट है, नो वन कैन एग्जैक्टली से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ समथिंग ऑपोजिट हैपनिंग, बट जो के ग्राफ से जो के न्यूज से दिख रहा है वो यही है कि इन नियर फ्यूचर व्हिच इज 3 to 6 मंथ्स दिस शेयर इज गोइंग टू बी इन अराउंड 100 लेवल्स एंड 100 to 140 levels, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर गया तो we cannot expect much movement above 140, 150. 1 year तक के जब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड ऑल्सो द रिलायंस हैज़ अ स्टेक इन FEL और FEL किस तरह से जो है वो एक यूनिट बनेगा रिलायंस वेंचर को काम करने में, दैट विल बी क्रूशियल टू नो, और उस पॉइंट पर जो है ये शेयर जो है वो एक्चुअली अपने स्टेबिलिटी पर वापस आने के चांसेस हैं, जो कि 300 और 400 लेवल के इन्वेस्टर्स हैं उनको वहाँ से पिक मिलेगा एंड दैट स्टेबिलिटी इज नॉट लुकिंग इन नियर फ्यूचर विद इन 6 मंथ्स, जो कि सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट है, सॉरी फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि इस लेवल पर ट्रैप हो चुके हैं, बट अगर आप स्टिल अपने लॉस को विद इन 50% लाकर एग्जिट कर सकते हैं दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि आज का जो शेयर मार्केट है दैट इज़ वेरी वॉलेटाइल, दैट इज़ वेरी very lucrative to invest and keep earning profits. Like within 1 year you can easily make 100 to 200% if you are trading properly. और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको इस पॉइंट पर सेल कर रहे हैं और ये स्ट्रेटजी चल रहे हैं कि हम इसको बेचकर वो पैसा 3 to 6 मंथ्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट वापस मार्केट से ले लेंगे, इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी पंक्चुअल विथ योर ट्रेड्स। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि आपने पैसा फिर किसी और शेयर में लगा दिया और उसमें फिर आँख बंद करके बैठ गए, इन दैट केस ऑल्सो आपको डेली अपने शेयर्स मॉनिटर करना पड़ेंगे कि हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बता रहा है। अगर आपका लॉस मोर देन 5% जा रहा है, जस्ट sell off those shares, invest in another share, और आप इस तरह से आपने कहीं पर 5% लॉस किया, कहीं और 5% लॉस किया, दैट इज लाइक 10% लॉस, बट समवेयर यू अर्न 30% प्रॉफिट, सो आप एट दी एंड 20% प्रॉफिट में रहेंगे। बट अगर हमने पैसा डालकर बैठ गए और वो शेयर्स आज 5% गिर गया, कल फिर से 5% गिर गया, परसों फिर से 5% गिर गया, तो 3 दिन में 15% आप ऑलरेडी और नीचे आ चुके रहेंगे, विच विल फिनिश योर इन्वेस्टमेंट। तो यू हैव टू, अगर आप ये स्टेप ले रहे हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के शेयर में से निकाल रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू डू इन फ्यूचर विद दैट मनी। सो आई विल रिमाइंड अगेन कि आप कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। दिस वाज जस्ट अवर स्ट्रेटजी दैट वी डिस्कस विद यू। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप पैसा निकाल कर और अच्छे ट्रेड्स कर सकते हैं, सो प्लीज़ गो अहेड। अगर आप जो है इंडिकेटर्स की नॉलेज नहीं रखते हैं या फंडामेंटल नॉलेज नहीं रखते हैं और टाइम नहीं दे सकते हैं शेयर्स को डेली, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टिल होल्ड करिए और या तो स्टार्ट कंसल्टिंग समवन हु कैन डायरेक्ट यू एवरी डे अबाउट योर ट्रेड्स, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पर ही मॉनिटर करना पड़ता है। यू कैन नॉट लूज इवन वन डे, क्योंकि एक दिन में 5% 10% शेयर्स अगर गिर गए तो यू लूज अ लॉट ऑन योर इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई जस्ट गिव योर टाइम, बी कंसिस्टेंट एंड हैव द राइट नॉलेज अप्लाइड एट राइट टाइम टू गेट राइट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑफ शेयर्स। So if you like the video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. See you in the next video. Goodbye, take care.